नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं। क्या फिर से 2020 या 2021 जैसे हालात हो सकते हैं? क्योंकि अगर बीते कल की हम बात करें तो 1000 मामले सामने आए थे और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कभी 3000, कभी 2000 कोरोना के मामले भारत में वेरीफाइड किए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एमपी चौरसिया, एक्स सीएमओ हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, कोरोना फिर से डरा रहा है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये समझना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, अभी जो हो रहा है लोगों को, उसमें मोस्टली जो सिम्टम्स हैं जी, वो हैं माइल्ड फीवर, और वो भी नॉट मोर देन 48 आवर्स, और सोर थ्रोट और बॉडी एक, ये तीन चीजें देखी जा रही हैं आमतौर पे। और यही सिम्टम यूजुअली कॉमन कोल्ड में भी होता है जी, तो वही वाली सिम्टम है। सर, इस समय जो कोरोना है वो लोगों को क्यों ज्यादा हो रहा है? क्या लोग दोबारा से लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क लोगों के उतर गए हैं? जिस तरह से हमने देखा था कि 2020 में 2021 में लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे थे, हैंड वॉश करने के लिए बार बार उन्हें कहा जा रहा था, तो उन गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे थे? देखिए, कोविड कोरोना वायरस तो हवा में रहना ही रहना है, ये वर्ल्ड में रहेगा ही रहेगा जी। जैसे कॉमन फ्लू हुआ करता था और होता है, उसी तरह कोरोना वायरस भी अब वर्ल्ड में है, धरती पर है, और वो होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। जैसे और वायरसेज हैं, वैसे ही ये वायरस रहेंगे ही रहेंगे। इस समय जो हमारे इंडिया में देखा गया, जैसे दिल्ली में ही देख लें, तो एकदम से हाई डिग्री एकदम से टेम्परेचर हो रहा है जी, और उसके बाद सडनली क्लाउड लग रहे हैं और बारिश हो रही है, तो टेम्परेचर फिर 7-8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। तो ये जो गर्मी और ठंड का जो अचानक से घटना और बढ़ना हो रहा है, इसमें थ्रोट के कंडीशन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो कंडीशन बन रहे हैं, उसमें वायरल इन्फेक्शन हो ही जाता है, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो यानी फ्लू वाला वायरस हो या कोरोना वायरस हो। और चूंकि कोरोना वायरस सब जगह है ही, हवा में है ही, तो अभी वो जो हार हो रहा है वो उसमें कॉमन फ्लू भी हो रहे हैं और कोविड 19 वाला भी वायरस है, जो ओमिक्रॉन वायरस था दिसंबर 2021 में जी, वह उसी की वैरायटी है ये जो अभी सब वेरिएंट चल रहा है। तो ये सर, यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ, जो ओमिक्रॉन का जिक्र किया है हमने, ओमिक्रॉन से लोग बहुत डर गए थे, ये ओमिक्रॉन ही है या उसका म्यूटेंट है? देखिए, ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन को तब कहा गया था कि इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इन्फेक्शन तो होता है जी, बट लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन खूब बहुत सारे लोगों को हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं, मॉर्टलिटी ना के बराबर रही जी। तो उसमें क्या हुआ कि जब सबको इन्फेक्शन हुआ तो उसके चलते बॉडी में सबकी इम्यूनिटी बनी, और वही इम्यूनिटी है जो आपको बचा रही। या तो इम्यूनिटी दो तरह से होती है, या तो इन्फेक्शन से हो या वैक्सीनेशन से हो। तो ओमिक्रॉन का ही वैरायटी है ये, और ये ऐसा, इसमें सीवियरिटी कुछ नहीं है, सीवियरिटी ऑफ इलनेस नहीं है जी, माइल्ड फीवर, सोर थ्रोट और बॉडी एक हो रहा है, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये ठीक होता हो जा रहा है। डॉक्टर, तो आपने जिक्र किया कि जो कोरोना है वो अब धरती पर रहेगा, वो जाने वाला नहीं है, तो क्या हालात 2020, 2021 जैसे हो सकते हैं, या अब जो कोरोना के सब वेरिएंट है, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है, ये बहुत माइल्ड है, हल्का सा बुखार खांसी जुकाम होगा जैसे कि हमें नॉर्मल वायरल होता है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, बच्चों को और बुजुर्ग को किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, ये जो है ओमिक्रॉन की वैरायटी है, और वायरस
आम तौर पे उनके वैरायटीज सब वैरायटीज बनती होती हैं जी, क्योंकि वायरस को भी अपने को एग्जिस्ट रखना है तो वो अपने को चेंज करता रहता है। जो प्रेजेंट वायरस है, जो सब वेरिएंट है, ये भी बिल्कुल माइल्ड किस्म का है और इसमें सबसे पहली बार डरने की कोई जरूरत नहीं है जी। अब रही बात की सतर्क रहना है, तो सतर्क उस ग्रुप को रहना है जो हाई रिस्क के ग्रुप हैं जी। हाई रिस्क के ग्रुप में दो चीजें आती हैं, एक तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही बीमारी के चलते कम है, जैसे किन्हीं को केमोथेरेपी चल रहा हो, HIV है जी। या और कोई कई सारी डिजीजेज हैं, लिम्फोमा है, कैंसर्स हैं, इन सब में इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है। दूसरा वो ग्रुप होता है हाई रिस्क जो क्रॉनिक डिजीज वाले हैं, जैसे अभी जो मैं कल महाराष्ट्र में था, मुंबई में था, वहां भी अचानक से सितंबर अक्टूबर के बाद इस समय सर्ज आया है। तो जो वहां पे दो मॉर्टलिटी हुई थी उनमें एक तो ओल्ड ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट थे। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, हाई रिस्क वाले पेशेंट, उनको बचे रहने की जरूरत है। ऐसे जो क्रोनिक मतलब डायबिटीज, जो पुराने डायबिटीज रोग हैं, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, क्रोनिक लंग डिजीज किसी तरह का भी चल रहा है, तो ऐसे लोगों को बाहर निकलें तो सबसे पहला तो क्राउड अवॉइड करें, क्राउड में जाए ही ना। दूसरा अगर बहुत जरूरी है जाना तो N95 मास्क जरूर यूज करें, यानी कि अब टाइम आ चुका है मास्क अप करने का। बिल्कुल, और मेरा कहना है कि सब लोगों को जरूरत नहीं है डरने की, लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो पुराने डिजीज के रोगी हैं, जैसे जो डायबिटिक हैं, जो हार्ट डिजीज के मरीज हैं, जो ओल्ड किडनी डिजीज के मरीज हैं, जो डायलिसिस पर चल रहे हों जी, HIV के पेशेंट हैं, या केमोथेरेपी पर चल रहे हों, या किसी भी कैंसर के लिए चल रहे हों, उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो ऐसे में इम्यूनिटी बहुत कम होती है और इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। क्राउड को अवॉइड करना है और जब भी निकलें तो N95 यूज करें, और जो हमारा प्रोटोकॉल COVID-19 का था वो याद रखें, हाई रिस्क ग्रुप वाले जरूर याद रखें, और सोप एंड वाटर से अपना हाथ धोएं और नहीं तो सैनिटाइजर यूज करें। डॉक्टर, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि हमें सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या जिनके डायलिसिस चल रहे हैं, या फिर उन लोगों को कितना सावधान रहने की जरूरत है जिनको कोरोना हो चुका है, बाकी वो स्वस्थ हैं लेकिन कोरोना से वो रिकवर हो चुके हैं, उनको कितना सावधान रहना है? आमतौर पे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए, कोरोना हो या फ्लू हो, कॉमन कोल्ड या जो कॉमनली फ्लू हुआ करता है, ये दोनों के वायरसेस जो हैं एक ही बिहेवियर वाले हैं। इनमें जो इन्फेक्शन होएगा और जो एंटीबॉडीज बनेगी उसका इफेक्ट लगभग 6 महीना से 8 महीना रहेगा जी। तो आप देखेंगे कि एक आम तौर पर हमारे आपको जब खांसी छींक जुकाम, खांसी जुकाम होता है, कॉमन फ्लू होता है, तो जब भी आप वेदर चेंज होता है तो उस समय होता है, यानी 4-5 महीने के अंतराल पर हो जाता है, किसी को 6 महीने के अंतराल पर हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो उस इन्फेक्शन से इम्यूनिटी बनी थी, वो बनी थी हमारे बॉडी में, उसका इफेक्ट 5 से 6 महीने तक रहता है, किसी किसी में 6 से 8 महीने रहता है, ज्यादा दिन अगर गवर्नमेंट की हम बात करें तो भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, एक दिन में 1000 मामले आ रहे हैं, फिर वो 2000 आ रहे हैं, फिर वो 3000 बढ़ रहे हैं, 4000 भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार अब हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो खुद से ही गाइडलाइंस जारी कर रही है लेकिन लोगों को खुद से भी अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा हाई रिस्क में जो भी हैं, लेस देन 10 ईयर्स वाले बच्चे और मोर देन 60 ईयर्स वाले बुजुर्ग, ये हाई रिस्क में है, और जो हमने बताए
जिनकी इम्यूनिटी कम है, यानी जो डायबिटीज वाले पेशेंट है, हार्ट डिजीज है या किडनी डिजीज है या क्रोनिक लंग डिजीज है, अस्थमा के मरीज हैं, तो ये जो वायरस है ये मेनली तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर करता है असर जी, बट उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो दूसरे इफेक्ट्स होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा होते हैं उनमें जो हाई रिस्क वाले पेशेंट है, तो उनको बच के रहना है। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार ने बहुत अच्छा करा हुआ है, अलर्ट पर है, और सबसे अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट सब जगह जीनोम सिक्वेंसिंग करा रही है। उसका फायदा ये होगा कि जिस समय हाई मॉर्टलिटी वाला कोई वायरस आता है, जिसकी पैथोजेनिसिटी बिल्कुल खराब है, सीरियस है, तो वो हमें पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, और हम और भी ज्यादा सतर्क रहेंगे और उसके लिए तुरंत मेजर्स ले लिए जाएंगे, उस तरह की सारी कार्रवाई कर ली जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, या अगर हम बात करें जब से वेदर चेंज हो रहा है, लोगों में वायरल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग इसे वायरस भी समझ रहे हैं, तो क्या लोगों को अगर 3 दिन या 4 दिन बुखार है, खांसी है, जुखाम है, तो कोविड टेस्ट कराना चाहिए? देखिए आमतौर पे तो कहूंगा, यदि मेरे मित्र हैं कई और उन्होंने, डॉक्टर साहब ने भी, उन्होंने भी बताया कि आमतौर पे भी जो इस बीच में इंटरवल रहा है पिछले 1 ईयर का, उसमें भी जब भी टेस्ट कराया गया तो उसमें भी COVID-19 के RT-PCR में पॉजिटिव मरीज आते थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गायब ही हुए थे, क्योंकि कोविड कोरोना वायरस रहेगा तो ये चलता रहेगा जी। अब मैंने कहा कि हाई रिस्क वाले जो ग्रुप हैं उनको जरूर टेस्ट कराना है, उनको सतर्क रहना है, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा हम सबको, कि हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे घर में जो जो काफी लॉन्ग रन चल रहा है जिनका, डायबिटीज का, हार्ट डिजीज का, या किडनी डिजीज वाले या लंग डिजीज वाले जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, या जो भी एडल्ट भी हैं लेकिन ये लंबा डिजीज चल रहा है, तो उनको यदि खांसी जुकाम होती है, बुखार होता है, तो उनका टेस्ट जरूर कराना चाहिए, ठीक है, ताकि डायग्नोसिस हो जाए, हम और सतर्क हो जाए। जिनका इम्यूनिटी अच्छा है, किसी और बीमारी से ग्रसित नहीं है, कोई किसी तरह का कोई डायलिसिस नहीं चल रहा है, तो उसे किस तरह से बचाव करने की जरूरत है इस समय पर? बिल्कुल, वो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कॉमन फ्लू हो रहा था उसी तरह ये हो रहा है, और बस आप कभी बाहर जाएं तो ध्यान रखें, कोई इस तरह के मरीज दिख रहे हो तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें जी, 1 मीटर से 1.5 मीटर की दूरी रखें, और आमतौर पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने के लिए हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है, जो हमारा प्रोटोकॉल था वो हर एक रेस्पिरेटरी डिजीज से बचने के लिए है। तो आम आदमी को भी चाहिए कि हम जब भी बाहर से आए या हम अपने माउथ और नोज को जब भी टच करें तो अपना हैंड वॉश जरूर करें, हैंड हाइजीन रखना बहुत जरूरी है, सोप एंड वाटर इज द बेस्ट, अगर नहीं है तो सैनिटाइजर भी लें तो उससे भी अच्छी तरह थॉरली हैंड सैनिटाइज करें, दूसरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, तीसरा क्राउड को अवॉइड करें जितना कर सकते हैं, ठीक है, और चौथा मैं कहूंगा कि जनरल पब्लिक को तो नहीं, लेकिन जो हाई रिस्क वाले हैं वो N95 मास्क का यूज कर लें, और पांचवा है वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, लोगों ने फर्स्ट डोज और सेकंड डोज भी लगा लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज जो आया वो लगाया, लेकिन वो लगभग मेरे ख्याल से 20% का डाटा है कि उतने ही लोग अभी तक ले पाए हैं। यानी 5 से 6 जो पॉइंट्स है इन्हें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इन्हें ध्यान में रखा जाता है तो आप कहीं ना कहीं इस वायरस से बच सकते हैं, और जो कोविड के मामले आ रहे हैं शायद आप कोविड पीड़ित उससे ना हो, वो खतरा आप में नहीं आएगा। सर आपने कोरोना पर किताबें भी लिखी हैं, मैंने भी देखी है, मैंने पढ़ी भी है, जस्ट स्विच ऑफ कोरोना के 2 एडिशन हैं आपके पास, कोरोना वैक्सीन कंफ्यूजन एंड क्रिएशन, ये जो क्यूरियोसिटी जो है ये आपने किताब लिखी है, इसको अगर हम पढ़ें या लोगों को हम जागरूक करें तो इस किताब से हम कितना लाभ ले सकते हैं? देखिए इसमें इन्फेक्शन के बारे में बताया गया है, कोरोना वायरस के बारे में बताया गया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, कैसे होता है इन्फेक्शन, कैसे होता है और कैसे फैलता है, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, जब वो हम समझ लेते हैं तो
तो हमें बचना आ जाता है जी। और दूसरा, कोरोना वैक्सीन के बारे में बहुत सारे मिथ आ गए थे, तो इतने ज्यादा कंफ्यूज थे लोग कि लोग नहीं ले पा रहे थे, तभी मैंने ये किताब लिखी थी लास्ट ईयर, और ये भी बेस्ट सेलर रही है अमेजॉन पर। तो उसमें कोविड वैक्सीन के बारे में कन्फ्यूजन्स का आंसर दिया हुआ है, लोग आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों लें, कब लें और क्या लेना चाहिए, तो उनको इससे फायदा होगा जी। बिल्कुल, इसके अलावा सर आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया है कि वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब कोविड की मार हम झेल रहे थे, तब जब वैक्सीन आई भारत में, भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया, तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज तो बहुत लोगों ने ली, लेकिन बूस्टर डोज बहुत कम लोगों ने ली है। क्या अब समय आ गया है कि हमें बूस्टर डोज के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, और कौन से ऐसे उम्र के लोग हैं जिन्हें बूस्टर डोज अनिवार्य हो जाती है? बिल्कुल, मैंने कहा जो हाई रिस्क वाले हैं और एज के हिसाब से लें तो लेस देन 10 इयर्स और मोर देन 60 इयर्स, ये हाई रिस्क एज ग्रुप है। और जो डिजीज के हिसाब से हमने हाई रिस्क ग्रुप बताए हैं, जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कैंसर के मरीज जो केमोथेरेपी पर हों, जो डायलिसिस पर हों, या जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले हैं, या लॉन्ग रन में डायबिटीज के पेशेंट रहे हैं, हार्ट डिजीज के हैं, किडनी डिजीज और लंग डिजीज, लंग डिजीज यानी ब्रंकल एस्थमा की तरह वाले जो भी मरीज हैं, या किसी भी तरह का लंग डिजीज जो लंग फेल्योर का भी किसेज होता है, तो इस तरह के लोगों को प्रिकॉशनरी डोज बहुत जरूरी है लेना। इनको तो जरूर ले ही लेना चाहिए। आम लोगों के लिए वो इन्फेक्शन जो होगा वो माइल्ड होगा और उससे इम्यूनिटी आ जाएगी, तो मस्ट नहीं है, हाँ प्रेफरेबल है। जो चाहते हैं कहीं जाना, विजिट करना चाहते हैं, या दूसरे देश जाना चाहते हैं, या दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, तो बार बार उनका वो ट्रेवल का होने वाला है, ट्रेवल होने वाला है, तो उनको ज्यादा अगर लगता है कि नहीं हमें दिक्कत है, तो प्रिकॉशनरी डोज लगा लेनी चाहिए जी, लग रहा है कि रिस्क है। अदरवाइज जो हाई रिस्क वाले हैं उनको तो जरूर लगा जी, जी। डॉक्टर साहब, जो लोग कोविड से पीड़ित हुए थे 2020 में या 2021 में या 2022 की हम बात करें, तो उन लोगों में देखा गया था कि जो हार्ट अटैक का खतरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। हमने देखा भी है कि कोरोना के बाद से नौजवानों को भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो ऐसे में अब ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोग इससे डर रहे हैं, लेकिन हम किसी को डराने के लिए खास प्रोग्राम आपके साथ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। तो एक खास मैसेज मैं चाहूंगी कि आप लोगों को दें, ताकि लोग डरे ना, लोग इसे समझे, जागरूक हों। जो भी हार्ट अटैक के केसेज हुए हैं या कोविड के बाद वाला जो केसेज है वो हमारे ध्यान में आ रहा है। मुझे याद है 2002-3 में भी मैंने देखे हैं केसेज, 28 ईयर ओल्ड पेशेंट, वो फुटबॉलर था और फुटबॉल खेलते खेलते हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था, हार्ट अटैक के केसेज पहले से हो रहे हैं। हम लोग कोविड से रिलेट कर रहे हैं, काफी स्टडी की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिलेशन नहीं आया। हाँ, इतना जरूर है कि जिनको कोविड हुआ था उनके ECG में उस समय चेंजेज आए थे और कुछ उनके देखे गए थे इफेक्ट, बट आम तौर पे आप नहीं कह सकते कि कोविड के बाद से सब रिस्क पर है। मोस्टली तो लोग स्लीप पूरा ले नहीं पा रहे हैं और चले जाते हैं जिम में और काफी एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज करते हैं, इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो उन सब चीजों से बचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम खूब एक्सरसाइज कर लें, इतना एग्जॉस्ट कर लें अपने आप को कि हम फिट रहेंगे, नहीं। स्लीप ज्यादा जरूरी है और मूवमेंट जरूरी है, ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्ट होना है। तो कार्डिक जो अरेस्ट हुए या हार्ट अटैक के जो केसेज हुए हैं उनसे कोरोना से कोई रिलेशन नहीं देखा गया अभी तक स्टडी में, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, जो हाई रिस्क ग्रुप है वो जरूर अपने को प्रिकॉशनरी डोज ले लें ताकि इम्यूनिटी आ जाए, या जिनको इन्फेक्शन हो गया है तो उनमें इम्यूनिटी अपने आप डेवलप कर जाती है, बट मैंने कहा ना ये इम्यूनिटी 6 महीने के लगभग रहती है, 2 महीने प्लस माइनस कर लें जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 2020 के बाद से ही भारत में नौजवानों की भी इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि कोविड के बहुत सारे मामले सामने आए थे। तो ऐसे में लाइफस्टाइल में किस तरह का बदलाव जरूरी है, इम्यूनिटी को बेस्ट करने के लिए हमें किस तरह का खान पान
रखना चाहिए। वर्कआउट का आप जिक्र कर रहे हैं कि आजकल लोग जो है फिट रहने के लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसे मामले बढ़ रहे हैं। तो एक और मैसेज मैं चाहूंगी कि आप उन नौजवानों तक पहुंचाएं जो लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, रूटीन में अपने आप को लाने के लिए एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वर्कआउट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेकर बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, जिसका उल्टा असर हो रहा है। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए और हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहे, इसके लिए जो लाइफ स्टाइल में, उसमें नंबर वन पे आता है रेगुलर एक्सरसाइज, और उसमें 30 मिनट्स से 40 मिनट्स का एक्सरसाइज आता है, और उससे ज्यादा करने का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप रेगुलर होना ज्यादा जरूरी है। अगर हफ्ते में 3 से 5 दिन भी एक्सरसाइज कर लेते हैं आप 45 मिनट्स का, तो वो काफी है। नंबर टू है स्लीप, गुड स्लीप। गुड स्लीप, 6 to 8 hours का स्लीप होना चाहिए। वो आप लेते हो तब आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। अगर आप सिर्फ लेस नाइट्स आपकी जा रही हैं, आप फिजिकली फिट नहीं कहला सकते, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो स्लीप सेकंड पर आता है, और थर्ड पे अपने डाइट पर ध्यान दें, न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें प्रोटीन्स हो। हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, गुलाब जामुन हुआ या नहीं हुआ, मिठाइयां हुई या नहीं, कोल्ड ड्रिंक हुआ नहीं, उसमें बहुत ज्यादा शुगर है, तो उसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा बढ़िया प्रोटीन लें और हरी सब्जियां लें जिसमें ढेर सारे विटामिन्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको कहते हैं हम, ये इम्यूनिटी के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। और प्रोटीन, तो पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां। और आगे आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, इसमें एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी। आप बात कर रहे हैं प्रोटीन की, न्यूट्रिश जो चीजें हैं उनकी, लेकिन प्रोटीन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में जाकर पैक्ड जो फूड है उसको इंटेक कर रहे हैं, प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, ये कितना हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक है उसको हम इसको रिप्लेस करके हम ऑर्गेनिक को जगह दे सकते हैं, वो हम कैसे समझे, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग मार्केट जाते हैं, वहां से प्रोटीन जो भी आपको डाइट चाहिए, हेल्दी डाइट, वो खरीद लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बेस्ट डाइट वो है जो हम अपने घर में तैयार करें, और जो बाहर की डाइट है उसको अच्छी तरह पढ़ लें, उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, कितने एडेड ऑयल्स हैं, सब लिखा होता है उसमें जी। तो इसलिए बाहर वाले कुछ भी लेंगे उसमें एडिशनल कुछ ना कुछ जरूर रहता है। तो बेस्ट इज द होम मेड फूड, चाहे आप जो भी छोटा सा भी अगर खिचड़ी आप घर में बना लेते हैं तो दैट इज द बेस्ट। उसमें दाल होता है, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। जो हमारे यहाँ दालें अवेलेबल हैं, चाहे जो भी दाल लें आप, दे आर द बेस्ट प्रोटीन, और वही आपका उसी को मिला जुला के किसी न किसी फॉर्म में बाहर में मिलता है जी। तो जो हम घर में खाते हैं दालें, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इससे बढ़िया प्रोटीन नहीं हो सकता जी। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट छोड़ के और भी जो आप, जैसे आप जो नॉन वेज हैं, वो यदि फिश लेते हैं, चिकन लेते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है। मीट में फैट की मात्रा भी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो इसलिए मीट को अवॉइड करना चाहिए, मटन को बेटर है, चिकन और फिश या एग्स, ये बहुत अच्छे प्रोटीन है। और वेजिटेरियंस के लिए दालें बहुत अच्छी हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर से भी बेटर टोफू आ रहा है अब आजकल, इसमें फैट ना के बराबर है, होता ही नहीं है फैट। और फैट लें तो अच्छी वाली लें, आप घी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, तो ऑलिव ऑयल बोलते हैं, बाकी मस्टर्ड और घी मैं तो प्रेफर करता हूँ यही, तो ये लें और प्रोटीन डाइट लें अच्छी, इससे आपका। और सब्जियों का ध्यान रखें, सब्जी जरूर लें, हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, लेकिन हम लोग जो पैक्ड फूड की तरफ ज्यादा, फ्रोजन फूड की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमें वापस समझना होगा कि ऑर्गेनिक चीज ऑर्गेनिक ही है, जो पैक्ड है वो पैक्ड है, वो हमारी हेल्थ को वाकई खराब कर सकती है। इसमें एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, और जो आम लोग हैं उनके मुकाबले उन्हें कितनी समस्या हो सकती है, जिस तरह से कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं।
देखिए, स्मोकिंग वाले का तो पहले से ही लंग डैमेज होता ही है, लंग उनका वीक होता है। अल्कोहल जो लेते हैं उनका भी इम्यूनिटी काफी रहता है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती जी। तो ये दोनों चीजें अवॉइड ही करना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं है। और स्मोकिंग वाले में और भी ज्यादा है, जो हमारी लंग्स होती हैं वो माइल्डली डैमेज होती हैं, बल्कि थोड़े डैमेज होते हैं। तो उन अल्कोहलिक और जो स्मोकर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा गया पिछली बार भी, और जब भी होगा तो इफेक्ट देखा जाएगा उनको। तो ज्यादा बचे रहने की जरूरत है, बल्कि दे शुड क्विट स्मोकिंग। बिल्कुल सर, लास्ट में बस यही पूछूंगी आपसे कि कोरोना का जो असर है वो लोगों के लंग्स पे बहुत ज्यादा पड़ा था। ये जो नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, अभी तो कुछ भी इसमें निकलकर सामने नहीं आया कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सावधान रहने के लिए लोगों को कहा जा रहा है, तो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं लंग्स पे, बहुत शॉर्ट में सर बताइएगा। बिल्कुल, आप ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक पर ही इसका इफेक्ट है, मतलब श्वसन तंत्र पर ही इसका इफेक्ट है जी। तो उसका इफेक्ट वहीं पे होना है, इसलिए लंग्स को तो स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें जी, अल्कोहल ना लें, धुएं और पॉल्यूशन से बचें, जितना बचे रहेंगे उतना। और जो कुछ एक्सरसाइजेज हम योगा में करते हैं, कपालभाति है, प्राणायाम है, ये सब आपके लंग्स को हेल्दी रखती हैं, तो वो भी करें, 5 से 10 मिनट करें, तो आपका लंग्स हेल्दी रहेगा और आप इन्फेक्शन से काफी बचे रहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कोरोना से जो लोग डरे हुए थे उनको समझाने के लिए कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, आपका बहुत शुक्रिया हमें तमाम चीजें बताने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे एमपी चौरसिया डॉक्टर साहब, एक्स सीएमओ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से, जिन्होंने कोरोना के बारे में तमाम चीज़ें बताई हैं कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके लक्षण भी उन्होंने बताए हैं, बचाव भी बताए हैं। तो उम्मीद है कि आप डरेंगे नहीं, इसको समझेंगे, सावधानी बरतेंगे, क्योंकि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सावधान रखना है, सुरक्षित रखना है और बचाव बताना है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करने।